Hello friends, welcome back to my channel. Myself Lisha. Today's video is totally dedicated to kids. They're gonna love this recipe because it's their favorite chocolate, guys, and it's lava bread. So, only two ingredients and very quick to make, easy to make. तो कभी कभी उनके मन का करना भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हमेशा हेल्दी फूड हेल्दी फूड देते देते वो भी बोर हो जाते हैं उनके मन के अकॉर्डिंग भी हमें कुछ कुछ उनको सर्व करना पड़ता है तो दिस इज हाउ फिंगर फूड के हिसाब से चॉकलेट्स को ना सर्व करते हुए आप इस तरीके से चॉकलावा ब्रेड के रूप में अगर उन्हें सर्व करेंगे उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ इफ यू हैवेन सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज गाइस कंसीडर सब्सक्राइब लेट्स गेट स्टार्ट सो फ्रेंड्स द ओनली टू इंग्रेडिएंट्स वी गो नो यूज़ इन दिस रेसिपी इज ब्रेड एंड चॉकलेट तो ब्रेड को इस तरीके से मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ कटर एंड यहाँ पर नियर अबाउट सिक्स पीसेस हैं ब्रेड के और ये जो नेक्स्टली चॉकलेट्स यूज करने वाले हैं ये जो नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट है बस वही यूज करने वाली हूँ जो इजिल इसके पीसेस कट हो जाते हैं तो ये ईजिली मार्केट में अवेलेबल है तो बस यही दो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं इस रेसिपी में तो चलिए बनाते हैं सो फ्रेंड्स नाउ नेक्स्टली यहाँ पर ब्रेड को इस तरीके से मैं बेलने वाली हूँ तो यहाँ पर इवन आउट कर लेंगे ब्रेड को सो so दैट जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके लिए ब्रेड टूटेगी नहीं थोड़ा सा इजी हो जाएगा बनाना तो इस तरीके से चलिए मैं फटाफट सारी ब्रेड को बेल लेती हूँ तो यहाँ पर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं बट व्हाइट ब्रेड के साथ चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड व्हाइट एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत सुंदर भी लगता है तो इसीलिए चीट डे पे कभी कभी चल जाता है वाइट ब्रेड यूज़ करना तो ये आप देख सकते हैं मैंने नियर अबाउट सारी ब्रेड को इस तरीके से बेल लिया है अब हम क्या करेंगे इसके पूरे सर्कल्स के किनारों पर हम यहाँ पर पानी लगा लेंगे सो दैट ये स्टिक हो जाए अच्छे से तो इस तरीके से पूरे उसकी ड्राई एजेस से वहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगा के वेट कर लेंगे सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी बहुत आसान रेसिपी है झटपट बन जाती है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी हमें नहीं चाहिए तो चॉकलेट को मैंने प्लेस कर लिया है इस तरीके से एंड इसे अब हम ट्विस्ट कर लेंगे एंड प्रेस करते हुए हम सील पैक कर लेंगे तो दिस इज हाउ आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली ये सील हो जाता है क्योंकि हमने वेट किए हैं इसके एडजस्ट तो दिस इज़ हाउ आप चाहें तो फोक से भी इसे प्रेस कर सकते हैं अगर आपको लगे और ड्राई है तो और थोड़ा सा आप पानी लेके इसे और फिर से थोड़ा सा सील कर सकते हैं सो दैट हम जब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इसको हम तो तो पर कुक करने के टाइम खुले नहीं तो ये आप देख सकते हैं बहुत आसान है एंड ये रेडी हो चुका है तो दिस इज हाउ हम सारे ब्रेड्स को इसी तरह हम सील कर लेंगे एंड इसके अंदर हम चॉकलेट को छुपा देंगे तो बच्चे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बट अगर आप उसे एज अ फिंगर फूड सर्व करते हैं तो उनकी नीड्स बढ़ जाती हैं एवरी डे उन्हें वो चॉकलेट चाहिए होती है बट अगर आप उन्हें इस तरीके से अलग अलग रेसिपीज़ में या फिर आप चाहें तो डेजर्ट्स में उसे इस तरीके से चॉकलेट सर्व करेंगे तो वो एवरी डे वो नहीं मांगेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये सब चीज़ें बनाने में टाइम लगता है बट अगर आप उसे एज अ फिंगर फूड देते हैं तो उन्हें पता है ये ईजी टू ईट है कभी भी हम मांगेंगे तो ये कभी भी मिल जाता है तो इसीलिए कोशिश करें चॉकलेट्स कम से कम दें वी ऑल नो कि चॉकलेट से दांत ख़राब हो जाते हैं बट फिर भी उनकी नीड्स को देखते हुए कभी कभी देना भी पड़ता है तो आप इस तरीके से उन्हें डेफिनेटली किसी चीज़ के अंदर या छुपा के दे सकते हैं सो so दैट वो एवरी डे ना हम मांगे उसे एंड कभी कभी देना इट्स ओके okay, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप देख सकते हैं बहुत झटपट ये हमारे सारे चॉकलावा ब्रेड्स रेडी हो चुके हैं आप कुकिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप चाहे तो डीप फ्राई करें शैलो फ्राई करें एयर फ्राई करें या फिर अवन में बेक भी कर सकते हैं तो चलिए मैं शैलो फ्राई करती हूँ पर एक पैन ले लिया है और इसे ग्रीस किया है मैंने वाइट बटर से घर का बना हुआ जो मक्खन होता है ना उसके साथ ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि वो अनसॉल्टेड होता है जो बाहर मिलता है वो सॉल्टेड होता है तो आप कोशिश करें अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वरना आप इस तरीके से घर पे जो भी आपके पास अवेलेबल है वो बटर से भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं तो दिस इज़ हाउ हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं लो टू मीडियम फ्लेम में ही करेंगे सो so दैट जो हमारा ऊपर का पोर्शन है ब्रेड है वो क्रिस्पी हो एंड अंदर जो हमारी चॉकलेट है वो धीरे धीरे मेल्ट होती रहे एंड एक चौकोलावा जब हम उसे तोड़े तो वो बर्स्ट करके बाहर निकले एंड दिस इज हाउ ये हम बहुत ही लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे आप इसे थोड़े थोड़े इंटरवल्स में इस तरीके से टर्न करते रहें सो so दैट इसकी जो कुकिंग है वो इवनली हो एंड ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जो हमें चाहिए तो बाहर की जो आउटर लेयर है अगर जितनी क्रिस्पी होगी उतनी ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्लक्चुएट करते हुए हम इसे रोस्ट करेंगे या फिर आप कह सकते हैं क्रिस्पी बनाएंगे सो so फ्रेंड्स आप देख सकते हैं द क्रिस्पीनेस कितना प्यारा कलर आया है एंड इस तरीके से हम सारी ब्रेड्स को टर्न कर लेते हैं एंड एक बार चेक कर लेते हैं एंड आई थिंक ये रेडी हो चुकी है बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस ऊपर आ चुका है एंड आई थिंक अंदर चॉकलेट भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है क्योंकि हम इसे स्लो एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे अंदर मेल्ट हो रही होगी क्योंकि हमने रूम टेम्परेचर पर रखी हुई चॉकलेट यूज़ की थी तो वो धीरे धीरे मेल्ट हो ही गई होगी अंदर तो दिस इज हाउ चलिए इसे अब प्लेट में निकाल लेते हैं सो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग यहां पर इसे अब हम इस तरीके से प्लेस कर लेंगे विदाउट एनी गार्निशिंग ऑल्सो दिस रेसिपी कम्ज लाइक वाओ बट हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर ही लेते हैं बच्चों को सर्व कर रहे हैं ना तो थोड़ी सी एट्रैक्टिव होनी चाहिए तो दिस इज हाउ हम इसे प्लेस करेंगे अब इसके ऊपर मैं ड्रिजल करूँगी और थोड़ी सी चॉकलेट चॉकलेट सॉस डालने वाली हूँ तो आप चाहें तो एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं बट पता होना चाहिए न अंदर क्या है तो वो ऊपर गार्निशिंग से ही पता चलेगा तो दिस इज़ हाउ मैं ड्रिजल करूँगी इसके ऊपर और थोड़ी सी चॉकलेट सॉस एंड दिस इज हाउ माउथ वाटरिंग आपके मुंह में भी अगर पानी आ रहा है ना तो बनाना तो बनता है देखा आपने कितना आसान है बनाना तो दिस इज हाउ ये बहुत सिंपल रेसिपी है और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रेसिपीज़ लाती रहती हूँ अपने चैनल पे तो आप डेफिनेटली कंसिडर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो so दैट आपको ऐसे सिंपल रेसिपीज़ इंजॉय करनी मिले एंड आप अपने बच्चों के लिए अपने फैमिली के लिए डेफिनेटली बनाते रहें तो अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करने वाली हूँ थोड़े से स्प्रिंकल्स हैं मेरे पास गोल्डन स्प्रिंकल्स हैं वो गार्निशिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ पर थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स डालूंगी एंड थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकल्स हैं वो भी थोड़े से डाल दूंगी तो दिस इज़ हाउ ये बहुत ही सिंपल रेसिपी क्विक टू मेक ओनली टू इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं हमने रेडी हो चुकी है तो बच्चों को तो पानी आने ही वाला है बट अगर आपके मुँह में भी आ रहा है तो ट्राई ज़रूर करिएगा मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी

डेफ़िनेटली मैं आपको बोलूँगी अगेन कि चॉकलेट्स को फिंगर फूड की तरह ना सर्व करें बच्चे उसके हैबिटेट हो जाते हैं एंड फिर उन्हें वो चॉकलेट्स एवरीडे चाहिए ही होती हैं तो दिस इज़ हाउ अगर आप उन्हें कोई भी डेजर्ट्स में या फिर इस तरीके से डिशेज़ में आप उन्हें बना के सर्व करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको एवरीडे बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं करेंगे कि उन्हें चॉकलेट्स चाहिए और मैं अपने बच्चों को एवरी डे चॉकलेट्स देती भी नहीं हूँ एंड आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी तो दिस इज़ हाउ कभी कभी देना इट्स ओके okay, तो चलिए इसे मैं उन्हें देती हूँ वो एन्जॉय करते हैं और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो क्या करेंगे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट फॉर अपकमिंग वीडियोस बाय